सलाम मैंने पिछले व्लॉग में कर लिया था, ये कंटिन्यूएशन चल रही है, ठीक है ना। अगर सलाम सुनना तो पिछला व्लॉग जाके देखो और फिर सलाम का बोलो। खैर बॉयज, 7:15 हो गए हैं AM, ठीक है ना। मगरब PM में भी यही अंधेरा होता है बाहर, AM में भी यही अंधेरा होता है बाद। निकल रहे हैं हम लोग बोधरम से, होटल से चेकआउट किया, अभी वापस जा रहे हैं, अभी नहीं पता कि किधर को जा रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार का प्लान है, हमारे एक दोस्त ने हाज़िरी देनी है, तो देखते हैं जी। रास्ते में सनराइज़ को देख चेक करते हैं, 7:50 तक होगा, तो विल सी द सनराइज़ इन द वे और लेट्स जस्ट गो बैक होम। और रास्ते में जो जगह हम लोग देख सकते हैं वो हम देखेंगे, जो दिखा सकते हैं वो हम दिखाएंगे। बाकी यार थक गए हैं, चल रहे हैं ना, शक्ल से पता, एनर्जी लेवल से भी पता चल रहा है ना। 5 का उठा हुआ हूँ, 12:30 सोया था, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, गाड़ी तो चलानी है ना। तमाम तमाम मार्कदाश। बोधरम ऑटो घर आए हैं जी, कुछ प्लान्स में चेंजिंग है। क्यों जा रही हो यार आयशा, आप इस्तांबुल हमारे साथ क्यों नहीं जा रही? बहुत काम है मैडम अपना। मैडम शील भी ज्वाइनिंग है इन अ डे और टू, सिर्फ लैपटॉप लेने जा रहे हैं इजमीर से, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट कराने थे उसे को। हम लोग जा रहे हैं वापस सोगट, नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नाज़रीन एक सवारी कम हो गई है, जैसे आपको दिखाया है वो आएगी 2 बाद इस्तांबुल। हमारा स्पॉन्टेनियसली प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं वापस इस्तांबुल, इनको मैं इजमीर नहीं छोड़ूंगा। तो वो मेरी दोस्त को इजमीर जाना था, वो 2 बाद वो भी आ जाएगी, तो ये अपडेट है। अर्तुगरुल बाबा जी के मज़ार पे जाके हाजिरी देने का प्लान था, लेकिन वो थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा तो हम लोग टाइम से इस्तांबुल नहीं पहुँच सकेंगे। तो उसके कॉम्पनसेशन में जो है वो हम लोग जा रहे हैं, बुरसा जा रहे हैं उसके बेटे उस्मान गाजी के मज़ार पे, उधर हाजिरी दे के उनके अब्बू की भी जो है ताज़ी मुझसे ही कर लेंगे बेटे से ही। तो देखें जी प्यारे व्यूज़ हैं सामने, दिखाओ भाई लोगों को। और जैसे ही पहुँचते हैं, 6 का रास्ता है, आपको वहाँ पे जाके फिर अपडेट करते हैं। नाश्ते की ब्रेक के लिए रुके थे थोड़ी देर, वेट करेंगे 10 जाएं और कुछ खुल जाए। मॉल की पार्किंग में है, उतनी देर हमने कहा यार थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, अगले हफ्ते मिड टर्म है। वी फाइनली वी इन बुरसा, 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बोधरम से डायरेक्ट बुरसा आए हैं। पूरा बुरसा शहर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, बुरसा को भी पीछे लगाया है, क्या बात। अच्छा जी, अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान गाजी का मज़ार हमारे बैक साइड पे है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे नहीं जा सके तो हमने कहा उसके बेटे से उसकी ताज़ियत कर लेते हैं, उस्मान गाजी से, उधर भी जाके फातिया करते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, उधर भी दिखाते हैं। बाकी आप व्यू इंजॉय करें बुरसा का। ये जी ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे ये इसका छोटा सा मज़ार है, ये मेरे ख़्याल से कि मस्जिद है। और हमें नहीं पता जी, हमें इसने कहा है कि इस रेड लाइन से पीछे पीछे खड़े हो जाएं। एक्सक्यूज़ मी, सारे इधर ही खड़े हुए हैं, 2 बॉयज़ खड़े हुए हैं इधर। अबे आई डोंट नो कि तुम्हें क्यों खड़ा किया हुआ है, लेकिन पता करते हैं। वी कांट गो इन, गाजी खुद आ रहा है वहाँ से, पता नहीं वेट करा रहे हैं पता नहीं क्यों। सब पाकिस्तानी से दरख्वास्त है वही दाढ़ी लंबी करके इधर आ जाए, नौकरी अवेलेबल है। गार्डन की ड्यूटियाँ चेंज हो रही हैं।
वापस आ रहे हैं वहाँ से अब बात शायद गपशप पे गार्ड्स पे मेरे ख्याल से गार्ड्स की ड्यूटियाँ चेंज हुई हैं। ओहो जी फूल उमरा की है इन लोगों ने जैसे ड्यूटियाँ चेंज हो गई हैं सारे अंदर जा सकते हैं। आपको लेके चलते हैं बाबा जी के मज़ार पे। तमाम तमाम आवे घर पहुंच गए हैं। सुबह 7:30 बजे निकले थे, 12 बजे घर पहुंचे हैं। बोधरम से इस्तांबुल इतना टाइम हमें लगा, बीच में बुरसा भी हम लोग रुके ऑब्वियसली, बट इट वाज टायरिंग, द होल ट्रिप वाज टायरिंग। थक गए जी, टांगे ख़त्म हो गई, पाँव के ये है ना ये फारिग हो गए। खैर नेवर माइंड जी, इट वाज अ गुड 3-4 डेज ट्रिप, अच्छा ट्रिप रहा, अच्छी कंपनी रही, मज़ा आया, बट ऑब्वियसली टाइम कम था और जगहें ज़्यादा थी तो थक गए। कुछ जगहें हम जैसे बहुत दिनों थी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सके, बट इन ज़िंदगी रही तो दोबारा से जाएंगे, दोबारा से व्लॉग लाजमी बनाएंगे और जो मिस किए हमने वो हम दोबारा देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इसका तो लाजमी इधर या इधर क्लिक करके आप पहला पार्ट देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उंगली का सही इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।